विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित दो दिवसीय सोशल मीडिया कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। भारत नीति द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में देश के कई हिस्सों से सोशल मीडिया विशेषज्ञों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पहले अखबार और टीवी प्रमुखता से मीडिया में छाए हुए थे, इनकी बड़ी भूमिका थी। इसके बाद आए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अब कई भ्रांतियां तोड़ दी। टीवी दिखाए या ना दिखाए, अखबार छापे या ना छापे, आम जनता का प्लेटफॉर्म बने सोशल मीडिया ने सूचना जगत में नई क्रांति ला दी है। अब कोई भी बात किसी से छिपी नहीं रह सकती है। डरतोक मुकाबले है तो स्वार निकालो, आजादी की लड़ाई हो या फिर आपातकाल का विरोध हो, अखबारों की अपनी भूमिका थी। तो टेलीविजन आया, समाचार चैनल आए, पहले दूरदर्शन के आए, फिर अनेकों चैनल आए और बाद में फिर 24/7 टीवी ने एक नई क्रांति पैदा कर दी समाचार की दुनिया, केवल समाचार नहीं विचार की दृष्टि से। लेकिन उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। एक जमाना था अखबार टेलीविजन, वो छापे तो ठीक है, नहीं छापे तो आप क्या करोगे, दिखाए तो ठीक है, नहीं दिखाए तो आप क्या करोगे। लेकिन सोशल मीडिया तो ऐसा हो गया कि कोई दिखाए ना दिखाए, अब अपना प्लेटफॉर्म, किसी भी विचार को प्रसारित करना हो, समर्थन करना हो, विरोध करना हो, राय बनानी हो, सोशल मीडिया के पहले का ही और आज सोशल मीडिया के बाद का ही एक नई क्रांति पैदा हुई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विशेषज्ञों को बधाई देते हुए कहा कि हमारी परंपरा, हमारे धर्म को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया है। जो लोग कभी राम का विरोध करते थे वो अब राम नाम जप रहे हैं, जय महाकाल का उद्घोष कर रहे हैं। इस बदलाव को लाने में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के युग में यदि अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना है तो सोशल मीडिया अपरिहार्य है। सोशल मीडिया ने देश की मानसिकता बदल दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने उज्जैन प्रवास के दौरान भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन भी किए और पूजन अर्चन किया। साथ ही भगवान महाकालेश्वर से प्रदेश के सभी लोगों के लिए मंगल कामना भी की।